For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. शादी बहुत अच्छी चीज होती है और मुझे लगता है बताना चाहिए दुनिया को कि यस हम शादी कर रहे हैं, कोई भाग के थोड़ी शादी कर रहे हैं। यार मेरा एंगल ही नहीं सेट हो रहा है यार। एक मिनट, सॉरी मुझे थोड़ा टाइम दे दो। हाँ तो लोग कह रहे थे अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैंने बोला शादी एक अच्छी चीज़ होती है, लोगों को बताना चाहिए कि यस वी आर गेटिंग मैरिड। और बस मैंने दिखा दिया सब कुछ, ये पहन रही हूँ, हल्दी पे ये है, मेहंदी पे ये है, सब चीज़ें दिखा दी। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी चीज़ें छुपाऊँ किसी को कि अरे ये क्यों ऐसा क्यों, दिखानी चाहिए तो दिखा दी मैंने। और मैं गोवा में शादी कर रही हूँ, मैं तो चाहती थी कि पूरा देश मेरी शादी में शामिल हो, बट पॉसिबल नहीं है ऐसा। लेकिन शादी की पल पल खबर जानने के लिए कि क्या हो रहा है, आपको एक YouTube चैनल है ऑन बोर्ड लाइव, उस पर मेरी पूरी शादी की वेब सीरीज़ बन रही है। और गाइस आज 2 बजे मेरी शादी की जो वेब सीरीज़ है उसका पहला एपिसोड अपलोड कर दिया है ऑन बोर्ड लाइव वालों ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत शादी की कैसे हो रही है, क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसे हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा ऑन बोर्ड लाइव पे। ये एक यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी किया कर सकते हैं। और मुझे थैंक यू वंदना, वंदना जी ने लिखा है कि ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी फैमिली में किसी की शादी हो। तो मैं आपकी फैमिली हूँ, आप मेरी फैमिली हो। और फैमिली सुन लो सब बात, अगर आपको देखना है कि भारती की शादी में क्या हुआ, कितने लोगों ने दारू पी के दंगा किया और कितने लोगों ने क्या मस्ती की। इस वक्त मेरा पूरा घर एक स्टेशन के वेटिंग रूम तरह है, हर रूम में इतना लगेज पड़ा हुआ है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। हर कोई नई नई सलाह देता है कि चाकू रख पर्स में, ये हींग बांध, ये देखिए हींग बांध, घर से अकेले नहीं बाहर जाना, ये सब चीज़ें हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। और मैं डर भी रही हूँ कि आज पहला एपिसोड अपलोड कर दिया है ऑन बोर्ड लाइव वालों ने। और सॉरी मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि मैं अपना ही बहुत बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सुभाष जी, हमारे फैमिली फ्रेंड है, थैंक यू सो मच। और थैंक यू निशिता, गुरप्रीत, थैंक यू गुरप्रीत, नीरू, थैंक यू नीरू, श्वेता मिश्रा, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, सच में थोड़ा इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल हूँ थोड़ी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना एक बहन की तरह, बेटी की तरह प्यार दे रहे हैं और इतनी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ दिनों तक तो शादी का एहसास भी नहीं हो रहा था कि शादी हो रही है, बट अभी सडनली कल बैंगल सेरामनी हो गई तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है और मैं थोड़ी नर्वस हूँ। ये नहीं कि मैं हर्ष के घर चली जाऊँगी या ये वो कुछ ऐसा होएगा, बट मुझे थोड़ा वैसा हो रहा है कि अपना 30 साल जहाँ पर रहे वो छोड़ के किसी और के घर जाना, वो थोड़ा हो रहा है। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, और इतना प्यार कर रहे हैं आप लोग, सच में बहुत इमोशनल हूँ। और बहुत सारा ब्लेसिंग चाहिए क्योंकि जब भी मेरा कोई नया शो शुरू होता था तो मैं आप लोग को बोलती थी कि प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा नया शो शुरू होने जा रहा है। इसीलिए अभी शो तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि मैं लाइव का एक नया शो करने जा रही हूँ जिसका नाम है हर्ष, और सर नेम चेंज होने जा रहा है। तो आप सबका बहुत प्यार चाहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग चाहिए। और बस यूट्यूब लाइव पे, यूट्यूब ऑन बोर्ड लाइव पे मेरी पूरी शादी देखिएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ आप लोगों से छुपाना नहीं चाहती क्योंकि आप फैमिली हो यार, आप लोग इतना प्यार करते हो। और ना आपको कोई मुझसे मतलब है, ना मुझे कोई आपसे मतलब है,
आप लोग प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने इन 8 सालों में मुझे इतना प्यार किया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी आपके साथ पूरी शेयर करूँ। और हर्ष पति बाद में, लेकिन मेरा पहले बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों ये शादी मिलके कर रहे हैं। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला कि हर्ष मुझे एकदम धूमधाम से शादी करनी है। तो उसने बोला था कि नहीं, मतलब सिंपल शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज, और फिर अपना जाके सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। और फिर उसने बोला कि एक रिसेप्शन करते। मैंने बोला नहीं, मेरी शादी एक ही बार होनी है, और भगवान करे एक ही बार हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग 3-3, 4-4 बार भी करते हैं, लेकिन हम मैं एक ही बार कर रही हूँ। और बस हर्ष ने बोला अगर धूमधाम से शादी करनी है तो उसका आधा खर्चा मैं करूँगा। तो उस बंदे की रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ चली गई, क्योंकि अभी भी आजकल नॉर्थ में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर होता है कि अभी भी लोगों को लगता है आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। खैर अभी भी लोगों को लगता है ये कि अपना नॉर्थ में शादियां होती है तो लड़की वालों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी सोच वाले हैं। तो हर्ष ने जब ये बात बोली कि आधा खर्चा मैं दूंगा, चाहे तू 10,000 की शादी कर या 100 रुपये की शादी कर या फिर 1 करोड़ की शादी कर, तो आधा खर्चा मैं दूंगा। तो मेरे घर वाले भी बहुत इम्प्रेस हुए और मैं भी बहुत इम्प्रेस हुई उससे कि उसकी बहुत अच्छी सोच है। और बस नर्वस हूँ थोड़ी, शादी होने जा रही है यार, मतलब इतने लोगों के साथ शोज में फ्लर्ट करती थी तो क्या होगा, करती थी, हर्ष ही लिख के देता था कि कर फ्लर्ट। और थैंक यू तनाज जी, उन्होंने कहा कि रोते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं सच में बहुत, मैं आप लोगों को बताया कि मैं बहुत कम उस पर फेसबुक पे बहुत कम लाइव होती हूँ, लेकिन मुझे है कि मैं अपनी शादी वाले दिन मंडप से भी आपसे बात करूँ और बोलूँ कि यस मैं एक शादी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। और सो सॉरी, मुझे पता अगर हर्ष ये देख रहा होगा तो उसको बहुत गुस्सा आता है जब मैं रोती हूँ। सो सॉरी।